अगर हम कॉलेज से जस्ट निकल रहे हैं या हमें 1-2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस है तो हमें एक पेज से ज़्यादा की जरूरत नहीं होनी चाहिए. सो इट हैज़ टू बी वन पेज. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो भी तुम्हारा रेज्यूमे पढ़ रहा है उसके पास टाइम नहीं है. शादी थोड़ी करनी है हमें यहाँ पे, हमें तो हमने जॉब चाहिए ना. उस बंदे को क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारा मैरिटल स्टेटस क्या है, तुम्हारे पेरेंट्स का नाम क्या है, उसे क्या फर्क पड़ता है उसको. तुमने 4-5 लिख दिए, अब उसमें रिक्रूटर ने पहला जो पढ़ा उसको वो इतना इंप्रेसिव नहीं लगा एंड बेसिकली उसने द रिक्रूटर जस्ट मूव्ड ऑन कि यार नहीं, इस बंदे ने तो इतने अच्छे प्रोजेक्ट किए नहीं हुए. दो अच्छे बड़े प्रोजेक्ट हमें उसमें डालने चाहिए. अगर तुमने कुछ हैकाथॉन्स में पार्ट लिया, कुछ हैकाथॉन्स जीते, तो वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है. सो अगेन इंटर्नशिप के अंदर एक पार्ट क्या मैं तुम्हें बता रहा हूँ किस टाइप की इंटर्नशिप करनी है, बट मैं तुम्हें साथ में ये भी बता रहा हूँ कि हम जब रेज्यूमे में लिख रहे हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है. Hi everyone, this is Ankush. And yaar, so इस वीडियो के अंदर what I want to do is I want to talk about सारी मेहनत करने के बाद जब हमें कंपनी में अप्लाई करते हैं तो हम अपना रेज्यूमे देते हैं, राइट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम अपना रेज्यूमे ठीक से लिखें, उसके अंदर सही चीज़ें हों, बिकॉज सारी मेहनत अदरवाइज तो वेस्ट हो जाएगी, राइट. हमने इतनी मेहनत करी अब उसके बाद हम उसको ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी. सो हाउ शुड वी थिंक अबाउट आर रेज्यूमे, किन चीज़ों का ध्यान रखें, किन चीज़ों का ध्यान नहीं रखें. एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट राइटिंग रेज्यूमे, इट्स ऑल्सो अबाउट एक अच्छे रेज्यूमे के लिए हमें पहले से क्या क्या मेहनत करनी चाहिए, किस तरह से हमें उसके बारे में सोचना चाहिए. आई थिंक इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है. सो आई विल टॉक अबाउट 7 things दैट वी शुड टेक केयर ऑफ, दैट वी शुड थिंक अबाउट इन आर रेज्यूमे इन टर्म्स ऑफ पहले से उस पर क्या क्या काम करें ताकि हमारे रेज्यूमे में वो चीज़ें आ पाएँ. एंड सेकेंडली फ्यू ऑफ दीज थिंग्स आर अबाउट कि हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना है रेज्यूमे लिखते टाइम ताकि हम एक इम्प्रेसिव अच्छा रेज्यूमे बना पाएँ. ओके, सो परफेक्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. एंड आई थिंक लाइक द फर्स्ट पॉइंट दैट आई वॉन्ट टू बिगिन विद इज जो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं यार. कॉलेज से तुम जस्ट निकल रहे हो या तुम्हें 2 साल का 3 साल का 4 साल का तक का एक्सपीरियंस है ना, तो यार रेज्यूमे एक पेज का होना चाहिए. अगर तुम्हें 10-12 साल का एक्सपीरियंस है तो समझ में आता है कि शायद हमें एक पेज से हमारा काम नहीं हो पाएगा, हमें 2 पेज की जरूरत पड़ेगी. 2 पेज से ज़्यादा की जरूरत तो कभी नहीं पड़नी चाहिए. बट अगर हम कॉलेज से जस्ट निकल रहे हैं या हमें 1-2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस है तो हमें एक पेज से ज़्यादा की जरूरत नहीं होनी चाहिए. सो इट हैज़ टू बी वन पेज. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो भी तुम्हारा रेज्यूमे पढ़ रहा है उसके पास टाइम नहीं है. अगर तुम बहुत सारा कुछ लिख के दोगे तो वो डिसाइड करेगा कि वो क्या पढ़ना चाहता है. एंड देन बेसिकली तुम्हारी जो बेस्ट चीज़ें हैं वो मिस हो सकती हैं, जो नॉट सो ग्रेट चीज़ें हैं जो तुमने लिख दी हैं बिकॉज तुम 2 पेज का तुमने बना दिया उसको, अब हो सकता है वो बंदा वो पढ़ ले. सो हमें चीज़ों को शॉर्ट रखना है, हमें उसको बहुत लंबा नहीं करना है. सो द फर्स्ट पॉइंट, ये इस पे कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते, अलाउड ही नहीं है कॉम्प्रोमाइज करना. एक पेज का होना चाहिए रेज्यूमे, एक पेज से ऊपर का नहीं होना चाहिए. मतलब मेरा IIT के बाद, Amazon जाने के बाद, उसके बाद मास्टर्स करने के बाद भी जो रेज्यूमे था वो एक पेज का ही था, ठीक है. अगर मैं Facebook में भी 1-2 साल जॉब करने के बाद दोबारा कहीं पे अप्लाई करता तब भी मेरा रेज्यूमे एक पेज का ही रहता, राइट. उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू नीड टू रियलाइज जितना लंबा होगा उसमें उतनी ही नॉन इम्पॉर्टेंट चीज़ें, उतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमें चाहिए उसके अलावा भी कुछ चीज़ें आ जाएंगी उसके अंदर जो कि हमारे चांसेस खराब करेंगी, ठीक है. सो दिस इज वन थिंग दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ, एक पेज का बनाना. सो नाउ विद इन दिस रेज्यूमे क्या क्या चीज़ें हैं जो एज अ रिक्रूटर लोग देखते हैं, राइट. सो मैं बहुत बार बोलता हूँ कि हमें प्रोजेक्ट्स का ध्यान रखना है, हमें प्रोजेक्ट्स का ध्यान रखना है, राइट. सो प्रोजेक्ट्स का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है. वी नीड टू हैव सम गुड प्रोजेक्ट्स इन आर रेज्यूमे. एक चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, 4-5 प्रोजेक्ट नहीं डालते हैं. फिर से वही प्रॉब्लम है, तुम 4-5 प्रोजेक्ट डालोगे तो अब रिक्रूटर डिसाइड करेगा वो कौन सा प्रोजेक्ट पड़े. सो हमें मैक्सिमम 3, मुझे लगता है 3 भी थोड़ा ज्यादा है, आइडली हमें 2 प्रोजेक्ट लिखने चाहिए. 2 अच्छे बड़े प्रोजेक्ट हमें उसमें डालने चाहिए, राइट. दैट्स वॉट वी नीड टू ट्राई एंड डू. 2 प्रोजेक्ट बट वो अच्छे हों. इवन 1 इज ओके अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो. एंड उसका लिंक होना चाहिए, वी शुड हैव लिंक टू द प्रोजेक्ट कि यार यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो. इसका कोड GitHub का लिंक होना चाहिए कि आगे जाके कोड चेक कर सकते हो. सो हमारा प्रोजेक्ट क्वालिटी पे फोकस होना चाहिए, क्वांटिटी पे नहीं होना चाहिए.
तुमने चार पांच लिख दिए, अब उसमें रिक्रूटर ने पहला जो पढ़ा उसको वो इतना इम्प्रेसिव नहीं लगा, एंड बेसिकली उसने द रिक्रूटर जस्ट मूव्ड ऑन कि यार नहीं, इस बंदे ने तो इतने अच्छे प्रोजेक्ट किए नहीं हुए। सो हमें मैक्सिमम 2 या 3 प्रोजेक्ट लिखने हैं, एंड उसके अंदर बेसिकली हमें हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट लिखने हैं। एक चीज़ जो मैं हमेशा बोलता हूँ प्रोजेक्ट के लिए, थोड़ा सा टाइमलाइन दो, राइट, लाइक कि कब से कब तक था, उसके अलावा किस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया, राइट। सो इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा फोकस रखो, एंड लिंक जरूर डालो, एंड अपने गिटहब प्रोफाइल के अंदर वो कोड को जरूर डाल दो, ताकि अगर रिक्रूटर चेक करे तो उसको मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है। सो दिस इज अबाउट प्रोजेक्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। इसमें मैं दो चीजें बताना चाहता हूँ। एक तो यही है कि हमें पहले से बनाने पड़ेंगे प्रोजेक्ट, दूसरी बात ये भी है जब रेज्यूमे बना रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि भाई 2 ही लिखने हैं, 4-5 नहीं लिखने हैं, जो 2 लिख रहे हैं उनको अच्छे से लिखना है ताकि वो इम्प्रेसिव लगे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट। सो एक चीज अगर तुम्हारे रेज्यूमे में अगर होगी तो वो बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करेगी, दैट्स गोइंग टू बी इंटर्नशिप्स। अगर हमारे पास अच्छी इंटर्नशिप्स होंगी तो वो एक्सट्रीमली वैल्यूएबल है, बिकॉज इफेक्टिवली तुम ये सोचो, तुम्हारे आसपास सब जो फ्रेशर्स हैं, तुम इफेक्टिवली उन सब फ्रेशर में से थोड़े से एक्सपीरियंस वाले बंदे की तरह काउंट करोगे, बिकॉज तुमने इंटर्नशिप्स की हुई है। आइडियली थोड़ी लंबी इंटर्नशिप्स होनी चाहिए, 2 महीने की इंटर्नशिप थोड़ी छोटी होती है, तो अगर कोई भी चांस मिलता है सेमेस्टर के साथ करने का या किसी भी तरह से, डू अ लिटिल लॉन्गर इंटर्नशिप्स, बिकॉज उनके अंदर तुम एक्चुअली पूरा सीख पाते हो, लाइक हाउ डज द डेवलपमेंट साइकिल वर्क, सब कुछ कैसे कैसे होता है, उन सब चीज़ों पे हम काम कर पाते हैं। दिस इज अबाउट हमें किस तरह की इंटर्नशिप आइडियली लिखनी चाहिए हमारे रिज्यूमे में। बट एक चीज और बता रहा हूँ, जब तुम इंटर्नशिप के बारे में लिखते हो, देखो इनपुट जरूरी है, राइट, लाइक कि तुमने इनपुट का मतलब है कि तुमने क्या किया, क्या टेक्नोलॉजी यूज करी, बट आउटपुट भी जरूरी है। डू मेंशन तुम्हारे काम से क्या इम्पैक्ट आया, तुमने कुछ रेवेन्यू जनरेट किया, तुम्हारी वजह से कुछ ऑप्टिमाइजेशन हुई, कॉस्ट बची, तुम्हारी वजह से लोगों का टाइम बचा, कुछ आउटपुट अगर तुम लिख पाते हो तो वो बहुत इंप्रेसिव साउंड करता है, वो हमें आइडियली करना चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हें पीपीओ मिला है तो वो मेंशन करना चाहिए कि मेरे को यहाँ से पीपीओ भी मिला है, राइट, लाइक दैट सॉर्ट ऑफ शोज दैट इट्स नॉट जस्ट कि तुम्हें इंटर्नशिप मिली, दैट ऑल्सो शोज दैट तुमने इंटर्नशिप में फोड़ा है, एकदम बहुत बढ़िया तरीके से काम किया है, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो उस चीज का भी हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। सो अगेन इंटर्नशिप के अंदर एक पार्ट क्या मैं तुम्हें बता रहा हूँ किस टाइप की इंटर्नशिप करनी है, बट मैं तुम्हें साथ में ये भी बता रहा हूँ कि हम जब रेज्यूमे में लिख रहे हैं तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। हमें ध्यान रखना है कि सिर्फ इनपुट नहीं, आउटपुट भी है, पीपीओ के अराउंड कुछ इन्फॉर्मेशन है तो वो लिखनी चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी यूज करी वो लिखनी चाहिए, एंड क्या क्या कॉम्पोनेंट्स थे तुम्हारे काम के उसको ढंग से लिखना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ। फोर्थ पॉइंट, दिस इज मोर अराउंड द प्रेप, कि पहले करना पड़ेगा, सिर्फ रेज्यूमे में लिखने की बात नहीं है। देखो तुम्हारे आसपास रेज्यूमे में क्या होना चाहिए, रेज्यूमे में कुछ डिफरेंट होना चाहिए। तुम्हारे आसपास सब लोग सेम कॉलेज से हैं, राइट, तुम्हारे आसपास सब लोग थोड़े सिमिलर से प्रोजेक्ट्स किए होंगे, चलो इंटर्नशिप में कुछ हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे शायद, बट अगर हम कुछ ऐसा डाल सकते हैं जो कि बहुत ही डिफरेंट है, जो जनरली लोगों के पास नहीं होता है, तो वो बहुत ही अमेजिंग होगा। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने कोई बहुत ही अलग से हमने कोई कंपटीशन जीत लिया, राइट, लाइक कोई फेसबुक का हैकर कप का कोई कंपटीशन था, उसके अंदर हमने कुछ बहुत अच्छे से फोड़ा, हमने कोई और कंपटीशन था गूगल का जिसमें हमने बहुत अच्छा किया, दैट इज वन कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी इज हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया, बट हम सिर्फ प्रोजेक्ट बनाने पे नहीं रुके, हमने उसको स्टार्टअप में कन्वर्ट करने की फाइट मारी, हमने उसके लिए सेल्स करा, हमने उसके लिए मार्केटिंग करा, हमने उसके लिए ऑपरेशन सीखा, हमने उसको एक स्टेप आगे लेके गए, हमारे पास कुछ नंबर ऑफ यूजर्स है प्रेजेंट करने के लिए, हमारे पास कुछ कुछ बेसिक स्टैट्स है, दैट्स गोइंग टू बी सुपर सुपर इंप्रेसिव इन योर रेज्यूमे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल विल नॉट हैव इट। और कोई एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल ये हो सकता है कि हमने बहुत सारे हैकाथॉन्स में पार्ट लिया, राइट, आसपास लोग नहीं ले रहे होते हैं इतने हैकाथॉन्स में पार्ट, हमने बहुत सारे हैकाथॉन्स में पार्ट लिया, हमने शुरू शुरू में नहीं जीतोगे बट इवेंचुअली कुछ कुछ हैकाथॉन जीतने भी लग जाओगे, राइट। सो अगर तुमने कुछ हैकाथॉन्स में पार्ट लिया, कुछ हैकाथॉन जीते, तो वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। सो अभी तक मैंने क्या बोला, वन पेजर होना चाहिए, ठीक है, दैट इज ओके, प्रोजेक्ट्स होने चाहिए उनको कैसे लिखना चाहिए, इंटर्नशिप्स होनी चाहिए उनको कैसे लिखना चाहिए। नाउ आई एम सेइंग कुछ ट्राई करो कि कुछ इनोवेटिव हो इनके अलावा भी, कुछ स्टार्टअप वाले का चीज़ हो सकती है, हैकाथॉन्स वाली हो सकती है, बट कुछ अगर होगा जो कि तुम्हें बहुत डिफरेंशिएट कर देगा बाकी लोगों के कंपैरिजन में, तो बहुत ही अमेजिंग हो जाएगा, ठीक है। सो इसका बहुत ध्यान रखो।
नाउ लेट्स कम टू द फिफ्थ पॉइंट. सो एक चीज जो बहुत सारे लोग करते हैं जो बहुत अनोइंग होता है, जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यार क्यों लिख रहे हो तुम्हारा मैरिटल स्टेटस क्या है, तुम कौन सी सिटी से हो, तुम्हारे पेरेंट्स का नाम क्या है, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो क्यों डाल रहे हो ये सब? शादी थोड़ी करनी है हमें यहाँ पे, हमें तो हमने जॉब चाहिए ना. उस बंदे को क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारा मैरिटल स्टेटस क्या है, तुम्हारे पेरेंट्स का नाम क्या है, उसे क्या फर्क पड़ता है उसको? ऑनेस्टली उसको ये भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्रिकेट खेलते हो. आधी दुनिया क्रिकेट खेलती है अपने देश में. आधे रेज्यूमे में देखता हूँ नीचे लिखा होता है हॉबीज के अंदर क्रिकेट. क्यों है भाई वो? मुझे क्या फर्क पड़ता है तुम क्रिकेट खेलते हो तो? या तो मुझे कुछ बताओ बहुत ही यूनिक हो भाई. तुम क्रिकेट के अंदर मान लो तुम स्टेट खेले हो, चलो यार ठीक है फिर भी हम लिखना चाहेंगे. तुम चेस के अंदर कुछ तुमने फोड़ा है, ठीक है यार तुम लिख दो. बट ये हॉबीज अदरवाइज यूजलेस होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, डोंट पुट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन विच इज एब्सोल्युटली इररिलेवेंट. मोस्ट ऑफ द केसेस में यार ऑब्जेक्टिव से भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता. क्या लिखोगे तुम ऑब्जेक्टिव में? क्या सबका सेम ही तो ऑब्जेक्टिव है? यू वॉन्ट टू एड वैल्यू फॉर दी कंपनी, यू वॉन्ट टू एड बिल्ड अ ग्रेट करियर फॉर यूर सेल्फ, सेम ही तो ऑब्जेक्टिव लिखते हैं सबका. कोई क्या अलग लिखता है? Unless you have something specific to say which is not generic, which is not what everybody else is doing, please do not write random things like this. फालतू में जगह खराब करते हैं और बहुत annoying होता है as a recruiter कि मैं कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, काम की चीज़ बताओ ना मुझे, फालतू चीज़ क्यों बता रहे हो? So एक ये चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए. ठीक है, coming to the next point, sixth point में तुम्हें बोलना चाहता हूँ कि एक चीज जो बहुत सही लगती है अगर तुम ढंग से उसको प्रेजेंट करते हो, अपनी टेक स्किल्स लिखो. पहली बात तो यार माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज नॉट अ टेक स्किल. ये मत लिखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तुम्हें आता है ना. विंडोज 10 तुम यूज कर सकते हो, विंडोज 11 तुम यूज कर सकते हो, तुम मैक यूज कर सकते हो, ये सब फालतू की बात है. लाइक ये थोड़ी अचीवमेंट है यार, मतलब पांचवीं क्लास का बच्चा भी कर सकता है ये सब कुछ, राइट? सो ये सब कुछ नहीं लिखना है हमें. हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है मुझे जावा आती है, मुझे मैंने AWS का एक्सपीरियंस है, मुझे नोट JS आता है, मुझे रूबी ऑन रेल्स आता है. दिस आर द सॉर्ट ऑफ स्किल्स दैट यू नीड टू राइट. एंड विद इन दीज स्किल्स व्हाट यू शुड ट्राई एंड डू इज रेट योरसेल्फ. अदरवाइज क्या होता है, तुमने 15 चीजें लिख दी, अब पता नहीं यार इसमें से क्या आता है क्या नहीं आता, कितना आता है कितना नहीं आता. ट्राई टू रेट योरसेल्फ दैट आई एम कॉन्फिडेंट जावा में तो मेरे को 4 out of 5 आता है. इन रूबी ऑन रेल्स मेरे को 4 out of 5 आता है. नोट JS मेरे को थोड़ा बहुत आता है, 2 out of 5 आता है. That is very valuable as a recruiter. कि भाई इस बंदे ने बता दिया है मुझे पहले से कि इसमें कितना experience है. ठीक है, ये बहुत help करता है हमें interviews में. Because तुम ऐसी अगर 10 चीज़ें लिख दोगे तो बहुत fight होती है. क्यों? क्योंकि वो कहीं से भी किसी चीज़ से कुछ पूछना शुरू कर देगा. But अगर तुमने rate किया है खुद को तो फिर भी तुम्हारे पास थोड़ा leeway है. वो तुमसे expectation नहीं होगी कि तुमने लिखा है नोट JS में 2-star हो तो वो नोट JS में बहुत अच्छे से आता होगा. ये expectation तुमसे नहीं होगी. तो इसलिए I think rating your skills is a very good idea. ये हमें कर लेना चाहिए. ठीक है, coming to the seventh point, ये थोड़ा सा mixture है दो points का. पहली चीज तो ये है कि यार college तो obviously mention कर ही देना चाहिए. आई थिंक कोई फाइट नहीं है उसमें. GPA mention करनी चाहिए कि नहीं करनी? बहुत अच्छी है तो डेफिनेटली करनी चाहिए. एवरेज है तब भी मुझे लगता है कर देनी चाहिए. बहुत बुरी है तो क्वेश्चन मार्क है. तुम छोड़ना चाहो तो तुम छोड़ भी सकते हो. बहुत सारे लोग नहीं लिखते GPA resume में, आई थिंक विच इज ओके. अगर बाकी चीजें बढ़िया हैं तो तुम उसको छोड़ सकते हो. आई थिंक दैट्स गोना बी ओके. बट इस पॉइंट में एक चीज जो मैं बोलना चाहता हूँ, अपने फॉर्मेट को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो रेज्यूमे में. बहुत ज़्यादा फैंसी मत बनाओ, बहुत सारे कलर्स मत ऐड करो, थोड़ा सिंपल रखो. अपना फॉर्मेट खुद से मत बनाओ. अनलेस तुम बहुत आर्टिस्टिक हो, तुम्हें लगता है तुम बहुत अच्छा बनाओगे तो कर लो. बट अदरवाइज पिक अ पॉपुलर फॉर्मेट विच एवरीबडी इज यूज टू लुकिंग एट एंड उसको यूज कर लो. बहुत ज़्यादा फैंसी बनाओगे ना तो उसमें रीडेबिलिटी में इश्यूज आते हैं, तो वो सब चीज़ों में घुसने का कोई फायदा नहीं है. थोड़ा सा खुद से ध्यान से बनाओ ताकि हम मतलब ऐसी वजह से हम रिजेक्ट ना हो रहे हो कि यार वो पढ़ ही नहीं पाया, उसको मिला नहीं, उसने कहीं ध्यान दिया, वो बहुत ज़्यादा रीडेबिलिटी नहीं थी तो इसलिए वो नहीं हुआ, राइट? सो वी नीड टू बेसिकली कीप इट सिंपल. तुम्हारी डिज़ाइन स्किल्स पे तो तुम्हें कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल देने नहीं वाला है, तो बेसिकली हमें उसको सिंपल रखना है. बेसिक फॉर्मेट बट हाईली रीडेबल. ठीक है, एग्जिस्टिंग कुछ फॉर्मेट्स ढूंढोगे तुम्हें मिल जाएंगे. ओके, सो जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ ऑन दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल रेज्यूमे में किन चीज़ों का ध्यान रखना है हमें लिखते हुए हमें 1-pager रखना है. ठीक है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स नहीं लिखने हैं, 2-3 ही लिखने हैं. इंटर्नशिप्स के अराउंड हमें
आउटपुट भी मेंशन करना है, सिर्फ इनपुट मेंशन नहीं करना है हमें. वी नीड टू मेक श्योर दैट हम अपनी टेक रेटिंग्स को हम रेट कर रहे हैं, राइट. हम सिर्फ टेक स्किल्स नहीं लिख रहे 10-15, हम कम लिख रहे हैं बट उनको हम रेट कर रहे हैं. फालतू की चीज़ें मत डालो, हॉबीज मत डालो, ऑब्जेक्टिव अनलेस यू फील कि तुम कुछ बहुत डिफरेंट लिखने वाले हो मत डालो, राइट. लाइक फालतू की चीज़ें मत डालो इसके अंदर. उसके अलावा GPA VPA तुम कंट्रोल कर सकते हो, और फॉर्मेट का ध्यान रखो. दिस इज अराउंड रेज्यूमे फॉर्मेट, बट अदरवाइज रेज्यूमे की प्रेप के लिए अच्छे प्रोजेक्ट्स करो, अच्छी इंटर्नशिप्स करो, हैकाथॉन्स में पार्ट लो, कोई स्टार्टअप पे अगर काम कर सकते हो तो बहुत ही सही हो जाएगा, बहुत हेल्प करेगा, है ना. इन चीज़ों का हमें थोड़ा पहले से याद रखना पड़ेगा, पहले से काम करना पड़ेगा. विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू आई थिंक हमें इनिशियल इंटरव्यूज मिलने में फाइट नहीं होगी, है ना. रेज्यूमे जाएगा कहीं पे तो एटलीस्ट इम्प्रेसिव लगेगा और लोग तुमसे बात करना चाहेंगे. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, आई होप दिस वॉज यूजफुल. अगर कुछ भी तुम्हें लगता है मैंने मिस किया है तो प्लीज कॉमेंट में डालो, राइट. लाइक ताकि बाकी लोगों को आइडियाज मिले. तुम्हारे एक्सपीरियंस अगर तुम्हें लगता है कि कुछ मैंने मिस कर दिया तो डाल दो कॉमेंट्स में. वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दो, सब्सक्राइब तो कर ही दो. थैंक यू सो मच. बाय बाय.